एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इसका रियल रिव्यू दूंगी, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस चीज़ से बना है। ये एलोवेरा, नीम, तुलसी और ऑरेंज पील से बना है। तो हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहती हैं स्किन के लिए। रतकुमारी, ऑरेंज पील, नीम और तुलसी, तो इनको और इस पर लिखा हुआ है यूज़फुल इन ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ स्किन। आपकी स्किन अगर रफ़ हो गई है और ड्राई है, रुखी है, बेजान है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इट आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल एक्नी एंड पिंपल्स। ये आपके किलमुहासी वगैरह को रोकने में हेल्प करता है। और इस पे लिखा हुआ है कि बेस मटेरियल इसमें क्या है, एक्वा सॉफ्ट सॉफ्ट बेस, विटामिन ए, विटामिन ई, हनी एंड सुगंधित द्रव्य है इसमें। तो ये पूरा तरीके से आयुर्वेदिक है। हनी भी हमारी स्किन को काफ़ी अच्छा बनाता है। पर फ्रेंड्स, मैंने जितना इसको यूज़ किया है तो ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आप इसको जब इसको यूज़ करेंगे अपनी स्किन पर, तो ये अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, तो आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये ऑयल स्किन वालों के लिए थोड़ा ठीक है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठीक है। अगर आपकी स्किन पर पिम्पल हैं, मुहासे वगैरह हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करने के लिए अपने हैंड पर इसको लेना है और 1 मिनट तक अपनी स्किन पर मसाज करनी है। और ये मेरे पास 100 ग्राम का पैक है और इसका रेट है 90 रुपीज़। और तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन के लिए थोड़ा ठीक है। आप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ा ग्लो भी करेगी, मगर ये अंदर से क्रीम बेस नहीं है, सॉरी ये जेल बेस नहीं है, ये क्रीम बेस है। और इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको कहीं टूर वगैरह में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका जो ये ढक्कन है काफ़ी अच्छा है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। मैं आपको उसको दिखा देती हूँ ये अंदर से कैसा है। जैसे कि ये क्रीम बेस है और इसको आपको इस तरीके से यूज़ करना है अपनी स्किन पर, और इसको कभी भी ज़्यादा स्किन पर ना लें, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाएगी। ये इस तरीके से अंदर से है क्रीम बेस। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसको यूज़ करें तो आप ध्यान रखें कि आपकी स्किन अगर ड्राई है, रफ़ है, तो उसको थोड़ा ही यूज़ करना है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपकी स्किन पर कील मुहासे वगैरह हैं तो ये भी उसके लिए भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पतंजलि सौंदर्य नीम तुलसी फेस वॉश के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये किस तरीके का फेस वॉश है और आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये मेरे पास 100 ग्राम का पैक है और इसका रेट है मेरे पास 70 रुपीज़। 100 ग्राम का पैक है और उसका रेट है 70 रुपीज़। और ये रतकुमारी नीम तुलसी से बना हुआ है और ये काफ़ी हर्बल फेस वॉश है। तो और इसमें क्या ऐड है, एक्वा जेल बेस, विटामिन ई, हनी, ये सब इसमें ऐड है। यूज़फुल इन ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रफ़ है, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। इट जेंटल क्लिंजिंग एक्शन हेल्प्स टू रिमूव डर्ट, डस्ट, जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ये आपकी स्किन पे जो डर्ट वगैरह जम जाती है, डस्ट हो जाती है, जर्म्स हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको अपनी स्किन पर अपने हाथ पर लेना है और अपनी स्किन पर 1 मिनट तक थोड़ा मसाज करनी है और फिर नॉर्मल वाटर से धो लेना है। तो इसको तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दिखा, ये अंदर से जेल बेस है। आप चाहे तो इसको लेकर विटामिन ई कैप्सूल में डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अंदर से हल्का ग्रीन कलर का है और इसकी स्मेल थोड़ी सी कुछ सिंथेटिक नीम की तरह है, और थोड़ा अच्छी भी लगती है इसकी स्मेल, और आपकी स्किन को ये काफ़ी अच्छा बना देगा। और मैं ये नहीं कहती कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मगर ये थोड़ा अच्छा वर्क करता है। आपकी स्किन की जो डर्ट है, जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, उसको ये ठीक कर देगा, और आप थोड़ा इसको लगाने के बाद फ्रेश भी फील करेंगे। ये नहीं, और
मतलब जैसे इसमें नीम तुलसी वगैरह पड़ा हुआ है तो इतना इसका अच्छा वर्क नहीं है, मगर ये है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। और आप अगर बाहर से आए हैं, अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं तो आपकी स्किन की जो डर्ट है, डस्ट है, और आपकी स्किन में जो जो भी गंदगी है, पॉल्यूशन वगैरह, सबको ये हटा देता है। और ये उसके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। इसका जो ये कैप है ये काफ़ी अच्छा है, इसमें निकलने का भी कोई डर नहीं है, आप छोटा पैक भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।